राय अहमद खां खरल शहीद दी शहादत बारे थोड़ी जी जानकारी उन्हां दोस्तां वास्ते जिहड़े राय साहब दे किरदार ते उन्हां दे वफादार साथियां नाल मुहब्बत करदे ने। उकाड़ियों 8 मील दूर शुमाल मशरक विच चक नंबर 20 गशकोरियां दे कोल एक वीरान ते आबाद थार नूरे दी डाल ते मुजाहिदां दा पिछलियां कई दिनां तों इकट्ठा ये सारे सरफरोश राय अहमद खां नाल रल के गुगेरे ते हमला करन वाले बागियां तों वख हन। 21 सितंबर नूं अहमद खां वी अपने दूजे साथियां नाल उत्थे पड़ गया ते अपने लश्कर नूं नवें सिरों तरतीब देण लग पिया। शायद 2-4 दिहाड़े होर भी मुजाहिद इस इकट्ठ विच आ के शामिल होंदे रहिंदे ते पूरी तैयारी नाल अंग्रेज़ ते हल्ला बोलिया जाता। पर उस दिहाड़े कई दिहाड़ियों तो भुखे मुजाहिदा जंगल विच्चों धाड़ा सिंह दे इजाड़ दियां भेड़ां चोक के खा लईयां। भेड़ां दे चरवाए चग्गू घाऊ ते मीरू नारे अपने सरदार धाड़ा सिंह जिहड़ा अंग्रेज़ां दा वफादार आ जाके बागियां दे होण दी खबर कर छड्डी। मुड़ धाड़ा सिंह ने उस वेले अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर नूं यह मुखबरी जा की। अंग्रेज़ अफसरां यह खबर मिलदियां ही अपनियां फौजां दा रुख इधर नूं मोड़ दिता। कप्तान बलैक घोड़ सवार फौज लैके अगां वध्या। लैफ्टिनेंट चेस्टर भी उहदे नाल आ। अंग्रेज़ फौज नूं वेख के सारा जंगल अल्लाह अकबर ते या अली दे नारियां ते मारू ढोलां दीआं आवाज़ां नाल गूंजण लग पिया। आख्या जांदा है कि उस दिहाड़े अंग्रेज़ फौज दे नाल ज़िला साहिवाल दे वड्डे वड्डे गद्दार भी सरदार मुजाहिदां दी निशानदेही करन कारण नाल आ। इन्हां विच खेम सिंह, धाड़ा सिंह, सरदार शाह ते संपूर्ण सिंह सब तो मोरे मोरे आ। उस दिहाड़े मुजाहिदां दा पहला मुकाबला कप्तान बलैक दी फौज नाल होया। मुसलमान बागी पूरे जोरों शोर ते जोश नाल अंग्रेज़ दीआं फौजां ते टुट पए। तो बंदूक दे मुकाबले विच डांग सोटा ते बरछी भाले कामयाब रहे। कप्तान बलैक अपने ढेर सारे बंदे मरवा के पिछा हटाने ते मजबूर हो गया। फिर चेस्टर दे दस्तियां दे आवण नाल दूजी वार मुकाबला होया। दोवां पासों जबरदस्त मुकाबले तों मगरों कई बंदे मारे गए। एक वारी अंग्रेज़ मुड़ भज उठे। हुण कैप्टन मिचल ताज़ा फौज लैके आ गया ते सिखां दी एक बटालियन भी आ गई। भेड़ शुरू हो गया। कल्लू करमली, दाना मखणा, सारंग, अब्दुल फतियाणा, बालक राम, झंडा हुसैन दा, इनायत का वट्टू, नबी बख्श, नवाब सत्ती दा, जहाना बेगे का ते मामाद खां अहमद खां दा जिवें लड़े ओ लोकां नूं होर सदियां तक याद रह सी। लड़ाई विच उस दिहाड़े घटो घट 20 भराई ढोल वजा वजा के मुजाहिदां दे हौसले वधाइंदे रहे। जदों गोलियां दा मींह वस्या तां दिल्लू तों सिवा सारे भराई या तां शहीद हो गए या फट्टड़ हो के ढोल सट बैठे। पर दिल्लू चौगत्ते दा मुजाहिदां दे नाल नाल अखीर तें ढोल वगेंगा रहा। एक मुजाहिद वाग रियान दा गोली लगण नाल फट्टड़ हो के भी जिस वे जिगरी नाल लड़िया यह भी लोगों नूं अजे भी याद। सियाणे इस मौके ते एक होर मुसलमान नौजवान कादूबार दा भी जिक्र करदे हन जिस बहुत सारे सिपाही मार मुकाए। रवायत दे मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड नालों कई गुणा वध फौजी मारे गए। सवेरला शामां तईं लड़ाई होंदी रही। डिगर वेले अहमद खां लड़ाई दे मैदान तों जरा हट के नूरे दी डल पुराना खूह तों वजू कीता। डिगर दी नमाज पढ़न लग पिया। धाड़ा सिंह ते खेम सिंह बेदी अंग्रेज़ फौज दे आला अफसरां नाल उत्थे पिड़ गए ते अंग्रेज़ां नूं अहमद खां दी पछाण करांदे होए आख्या कि सारा फसाद इसे दा है, इहो इस बगावत ते जंग दा मोरी है। ते मुड़ अंग्रेज़ फौज दे एक मुलाजिम गुलाब राय बेदी नूं हुक्म दिता गया कि वह अहमद खां ते गोली चला देवे। आंदे हन जदों अहमद खां दा सिर सजदे विच गया तां गुलाब राय बेदी उहनूं गोली मार दित्ती। अहमद खां फट्टड़ हो के अपनी घोड़ी मोरनी वाल वध्या। उदों अहमद खां दी उम्र 80-82 साल दी आई। अंग्रेज़ अफसरां नूं खेम सिंह आख्या जे अहमद खां घोड़ी ते सवार हो गया तां साडे लई तैर साबित हो सी। एक रवायत दे मुताबिक इस मौके ते अहमद खां नूं दूजी वारी गोली मारी गई ते मुड़ घोड़ी खाली जीन जमरे जा पड़ी। अंग्रेज़ां राठ अहमद खां दा सिर ला लिया ते धड़ मुजाहिद चुक के जमरे पड़ गए। आंदे हन कि बेगे के सरदार राय सारंग दा भी सिर लाया गया पर यह तस्दीक नहीं हो सकी। इस लड़ाई विच दूजे मुजाहिदां दे नाल मोहरी ते सरदार लीडर जहाना रोशन दा, सारंग अमान दा ते राय अहमद खां शहीद होए।
अंग्रेजा आमद खां का सिर घड़े के पेंदे विच रख के नुमाइश वास्ते गुगेरे जेल की कद ते रख छड़िया। इस सिर नू ओ महीनिया ताई नुमाइश कारण रखना चाहते हैं, पर इस तू नवे दिहाड़े मौजा बग्याणे दे एक मीर आलम ने लुक के इस सिर ला लिया ते बाजे के खरलां दे सपुरद कर छड़िया। उस मीर आलम नू इनाम विच खरलां खूह दिता। आमद खां दे प्यो दादे दे कब्रस्तान विच धड़ एक जा ते दफन किया गया ते सिर लुका के दूजी थां ते दफनाया गया। ये सिर 125 साल ताई इसे कब्रस्तान विच धड़ तों वख एक होर कबर विच दफन दिया। 1967 विच जदां आमद खां दा मकबरा बनावण दा प्रोग्राम बनिया तां यह सिर बड़ी मुश्किल नाल लभ के धड़ दे नाल ही दफना दिता गया। आंदे हन कि जदों यह सिर कढ़िया गया तां उदों वी घड़े दे उस थले विच हा जिंदे विच अंग्रेजां रखिया हा। आख्या जांदा है कि उस दिहाड़े अंग्रेज़ फौज दे नाल